अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा अनवर और आज आपको मैं सैर कराने लगा हूं कराची की दीवारों की। जी हाँ, कराची की वो दीवारें जिस पर कभी हम सुना करते थे सियासी जमातों के नारे और कभी हम देखते थे कुछ गालियाँ और कुछ ऐसी बातें जो आप देखना नहीं चाहते। जी हाँ, उसमें वो बातें भी मौजूद हैं कि अगर आपके अंदर किसी किस्म की कोई कमज़ोरी हो गई है तो आपको किसी आमिल कामिल बंगाली या बंगालन के पास जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। मगर अब कुछ नौजवान हैं जो रंग दे कराची का कॉन्सेप्ट लेकर निकले। और उन्होंने रंग दिया है कराची की दीवारों को। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके नेशनल स्टेडियम के बाहर, जहां पर दीवारों पर मुख्तलिफ रंगों की जो आर्टिस्टिक पेंटिंग्स हैं वो बना दी गई हैं। कराची के कुछ लैंडमार्क्स हैं उनको बना दिया गया है और कुछ पर्सनैलिटीज़ के जो मुजस्मे हैं उनको भी तैयार किया गया है ताकि कराची की वो रौनकें दोबारा बहाल हो सकें, कि पूरी दुनिया एक बार फिर कराची को रोशनियों का शहर माने, ना कि कराची को लीस्ट लिवेबल सिटी का मुकाम मिले जो कि कुछ दिनों पहले कराची को दिया गया। यहाँ पर कुछ वॉल्स को डिवाइड किया गया है, कहीं पर अवेयरनेस के बारे में चीज़ें हैं, पॉल्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, कल्चर, चाइल्ड लेबर, अर्ली मैरिजेज, उन तमाम इश्यूज़ को उठाया गया है जो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं और जिस पर ज़बान खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। लिहाजा आज इन दीवारों को ज़बान मिल गई है और ये तमाम उन इशूज़ पर बात कर रहे हैं जिन पर नॉर्मली हम सबको करनी चाहिए। तो कुछ यहाँ पर आर्टिस्ट मौजूद हैं, बड़े यंग आर्टिस्ट हैं हमारे साथ। जी, इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है मुझे बताओ थोड़ा सा। आप भी ज़रा बताएंगे, आप ये थैंक यू के शॉपर जो हैं उसको पेंट रही हैं, आपके साथ आप खुद कचरा कहाँ फेंकते हैं? हमें कचरा जो है वो पानी में तो बिल्कुल भी डंप नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से जो स्पीशीज हैं वो इंडेंजर्ड हैं, उनको बहुत ज्यादा खतरा है। कहाँ फेंकें कचरा? कचरे की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रॉपर जगहें बनाएं जहाँ पे हम डंप कर सकें, वरना इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा जी, एक बड़ी ज़बरदस्त सी वॉल को सजाया गया है कि डिवोर्स इज़ नॉट अ स्ट्रेन, तलाक कोई धब्बा नहीं है, यानी उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी बाकी रहती है, आप उसके बाद भी अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा आइसोलेट कर दिया जाता है और ख़ास तौर पर खातून पर ज़्यादा मसले होते हैं। मर्द तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकता है लेकिन खातून को इतना ज़्यादा आइसोलेट कर दिया जाता है डिवोर्स के बाद कि शायद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और अब सिर्फ मौत उसका मुकद्दर है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सा कॉन्सेप्ट जो है वो इस वॉल पे हमें नज़र आ रहा है। तो काफ़ी लोगों ने अपने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब जिम्मेदारी है आपकी, आपने हिफाजत करनी है इन दीवारों की और हर उस दीवार की जो आपके लिए और दूसरों के लिए दीवारें मेहरबानी बने, आपके लिए दीवारें गरियाउजारी ना बने कि जिसके आगे आप खड़े होकर रोएं और मातम करें। दुआ यही है कि कराची हंसता रहे, बोलता रहे, पाकिस्तान कामयाब होता रहे और आप सब देखते रहें अदील सादिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजे मजे की वीडियोस भी आप तक मिलती रहें। थैंक यू सो मच।